जिला जालौन में छात्रा की हुई हत्या के विरोध में फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोग फिरोजाबाद जिले के राठौर समाज के लोग हैं। जिला जालौन में एक छात्रा की निर्मम हत्या हुई थी, जिसके विरोध में आकर राठौर समाज के लोगों ने शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे जिला मुख्यालय पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस चेतावनी दी है, जल्द हाई आरोपियों पर सख्त कार्यवाही और पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये ऐसा है, जिला जालौन में हमारी बेटी प्रिया राठौर जो कि कक्षा 8 की छात्रा थी, जिसकी स्कूल कैंपस में ही निर्मम हत्या कर दी गई, उसके साथ रेप किया गया, हैवी क्रुएल्टी की गई और छत से फेंककर उसकी मृत्यु कारित कर दी गई, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ और 302 में पुलिस ने अनंत हनन में विवेचना करते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई। इससे साफ प्रतीत होता है कि जो स्कूल प्रबंधक है वो वर्तमान में भाजपा सरकार का प्रबंधक है और एमएलसी है। एमएलसी के चलते सत्ता का दबाव है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से नाटकीय रूपांतर तरीके से अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है वो काफी निंदनीय है, क्योंकि जिस बच्ची के साथ पहले जघन्य अपराध होता है, नाबालिग बच्ची है और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसका पिता आज इको गार्डन में लगभग 6 दिन से बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ना तो योगी बाबा ने कोई सुध ली है, ना ही उनके किसी मंत्री ने सुध ली है, ना ही वहाँ के शासन प्रशासन ने सुध ली है। इससे साफ प्रतीत होता है कि सारे लोग एमएलसी के साथ मिले हुए हैं और हम मांग करते हैं, जो आज महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय को आए हैं, हम मांग करते हैं अगर हमारी बेटी के न्याय नहीं मिला, अगर उसके घर को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता नहीं मिली, उसके परिवार में किसी को एक नौकरी नहीं मिली, तो ये राठौर समाज वो आंदोलन करेगा कि योगी बाबा भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर हमको पहले संज्ञान ले लिया जाता तो आज ये स्थिति राठौर समाज की नहीं होती, क्योंकि राठौर समाज 90 से 100% वोट भाजपा को देने का काम करता है और आज राठौर समाज ही न्याय के लिए भटक रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता में एमएलसी के पद पर है वो चौहान ठाकुर जाति का है, इसलिए बाबा कुछ उसकी सुत नहीं ले रहे हैं। अगर यही दुजाति का होता तो बाबा बुलडोजर चलवा देते हैं उसके स्कूल पे, उसकी एक्सयूवी या टीयूवी पलटवाकर उसकी हत्या करा देते। क्या ये जातिवाद की राजनीति नहीं हो रही है? अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में इससे भी ज्यादा भयंकर परिणाम होंगे और लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें भाजपा सरकार को ये देखना होगा कि राठौर समाज अगर न्याय नहीं मिला तो बहिष्कार करने का काम।